केरल के मलप्पुरम में एक महिला इमाम ने 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जुमे की नमाज अदा कराई। इनका नाम जमीदा है। ये महिला कुरान और सुन्नत सोसाइटी की महासचिव भी हैं। जमीदा ने कुरान और सुन्नत सोसाइटी के मुख्यालय चेरुकोड में जुमे की नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान होने वाले भाषण यानी खुतबा की भी अगुवाई की। इसके बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। ऐसे में जमीदा का ये कदम पीएम मोदी के अभियान को बल देता है। आमतौर पर हर जगह मर्द ही नमाज की अगुवाई यानी इमामत करते हैं। जमीदा का कहना है कि इस फैसले से पुरुष प्रधान समाज पर सवालिया निशान लगेगा। कुरान में किसी भी धार्मिक कृत्य या विश्वास को लेकर कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। जमीदा का कहना है कि नमाज, हज, जकात, रोजा जैसे सभी धार्मिक कृत्यों में औरत या मर्द में भेदभाव नहीं किया गया है। द मीडिया गिरी की रिपोर्ट।